हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 2000 जो ये क्वेश्चन पेपर है, शायद 2005 का है। हाँ, TGT बायोलॉजी 2005 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। ये मूल पेपर है, ये TGT लिखा हुआ है, और ये जो कोड है 06, ये कोड है, और जो ये पेपर सेट है वो डी पेपर सेट है। तो ये है, और ये मूल पेपर है। मूल पेपर को स्कैन किया गया है, और ये 2005 का मूल पेपर है। तो आज हम शुरू कराते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न 2005 में TGT बायोलॉजी में पूछे गए थे। यही वो प्रश्न हैं जो आप देखेंगे अभी, जो PGT के हमने सॉल्व पेपर डाले हैं, देखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। यही क्वेश्चन आपके PCS में कुछ रिपीट हुए हैं। यही क्वेश्चन आपके जो जूलॉजी और बॉटनी सेक्शन के अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो देखेंगे यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम सारे पेपर अगर हल कर लेते हैं अभी तक, तो लगभग 25 से 50% क्वेश्चन हमें पुराने पेपर से मिल जाते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें, उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और जो भी आप ट्विटर पे और अन्य जो मीडियम आप यूज़ करते हैं ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैनल है वो बायोलॉजी डिपेंडेंट है, और उस आशातीत सफलता इसको इसलिए नहीं मिल रही कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स उतने नहीं होते हैं। अभी हम टेट का अगर लेके आए तो टेट में बहुत भीड़ है, बहुत लोग देखते हैं, मगर बायोलॉजी के जो लोग होते हैं वो गिने चुने लोग हैं, या बहुत कम लोग एग्ज़ाम देते हैं। TGTP असिस्टेंट प्रोफेसर के तो 500 600 लोग ही एग्ज़ाम देते हैं, और PCS में भी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट लेते हैं वो कम ही लोग लेते हैं, और TGT PGT बायोलॉजी की जो तैयारी करते हैं कम लोग करते हैं। तो इसमें भीड़ नहीं है, फिर भी हम आपको ये मैटर उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आप रेड बटन दबा के रखिए और बेल आइकन, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूल पेपर है, तो स्कैन किया गया पेपर है, और पेपर काफ़ी खस्ता हाल में था, चूँकि 2005 का था तो पेपर ऊपर का तो कवर नहीं था, और उसके बाद का कवर मिला तो इसको स्कैन किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्वसन भागफल एक से कम नहीं होता है, रिस्पिरेटरी क्वोटेंट इज नॉट लेस देन 1 in। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा? तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो श्वसन फल भागफल होता है वो एक होता है, एक से कम नहीं होता है। प्रोटीन का जो RQ होता है वो 0.8 होता है, फैट का जो RQ होता है 0.7 होता है, और सामान्य भोजन का जो RQ होता है 0.85 होता है। और इसके अलावा आप हमारे प्लेलिस्ट पे देखेंगे या आप सर्च करेंगे, रिस्पिरेटरी क्वोटेंट से संबंधित वीडियो एक पूरा रखा है, सारे प्लांट्स का हमने RQ निकाल के रखा हुआ है। तो आप वहाँ सर्च करके प्लेलिस्ट पे जाके, प्लेलिस्ट पे ना मिले तो वीडियो पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, और चैनल पे तो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन वहाँ से बना है। एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग, द कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर द एयर इन द हेल्थी मैन अबाउट, हेल्थी मैन में एयर जो फेफड़ों की क्षमता होती है लगभग कितनी होती है? 500 ml, 1500 ml, 1000 ml और 3000 ml। तो कितनी होती है क्षमता आप बताएंगे? तो हम आपको बता दें, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग 6000 ml होती है। कितनी होती है? 6000 ml होती है। तो यहाँ चूंकि है नहीं कोई ऑप्शन, तो यहाँ हम इसी को लेके चलेंगे, फोर्थ को। वैसे जो होती है, हम आपको बता दें, एक स्वस्थ मनुष्य में वायु के लिए फेफड़ों की क्षमता लगभग 6000 ml होती है। वास्तविक रूप से फेफड़ों की क्षमता लगभग 5000 ml से 6000 होती है, लेकिन उत्तर में केवल 3000 ml दिया है, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं। अगर प्रश्न इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV पूछता तो विकल्प डी सही था, ये वाला। चलो देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पादक कौन सा होता है? तो आप सब जानते हैं, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे रेस्पिरेशन से, देखिए क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब ये देखिएगा, ये PGT में भी क्वेश्चन आता है, ये PCS में भी आप देख रहे होंगे, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी दोनों में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है पाइरूविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा श्वसन संबंधी एक रोग उत्पन्न होता है, आस्थमा ए रिस्पिरेटरी डिजीज इज कॉज ड्यू, तो ये किससे उत्पन्न होता है? तो आप बताइएगा, तो इसका सही ऑप्शन फोर है, स्पैज्म ऑफ द ब्रैंकियल मसल्स, ब्रोंकियल पेशियों में स्पैज्म से ये होता है। क्या होता है? स्पाज्म से होता है, ये ऑप्शन इसका फोर्थ सही है। शरीर में सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती है,
स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी इज, सबसे छोटी जो रुधिर वाहिनी या ब्लड वेसल्स होती है वो कौन सी होती है? तो आप ऑप्शन बताइएगा, तो वो होती है कैपिलरीज, क्या होती है? केसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में रुधिर के प्रति घन एमएम में रुधिर प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है? देखिए, एक डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स घटनी शुरू हो जाती हैं, तो इनका जो प्रायः संख्या दी गई है वो कितनी होती है? आप बताएंगे कि इसकी संख्या जो दी गई है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन है ये वाला सही है, 2 लाख से 4 लाख। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र होता है O2 डिसोसिएशन कर्व इन हीमोग्लोबिन इज, तो कैसा होता है? तो आप बताएगा इसका कर्व कैसा होता है, आप आंसर करेंगे हमें। तो इसका कर्व जो होता है वो सिग्मोइड होता है। कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र सिग्मोइड होता है। अधिक ऑक्सीजन सांता वाले क्षेत्रों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इस क्रिया में आयरन के एक अणु ऑक्सीजन के एक परमाणु से संयोग करता है, वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता को आंशिक दाब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये अब काफ़ी लंबा आपको बताना पड़ेगा, तो आप इतना ही समझ लीजिएगा। रुधिर वर्ग ए बी में होता है, ब्लड ग्रुप ए बी कंटेन्स, तो आप बताइएगा ए बी में क्या होता है? आप बताएंगे कोई प्रतिजन नहीं, कोई पितृच्छी नहीं, जमान गुण अनुपस्थित, उपयुक्त सभी, तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, नो एंटीबॉडीज। ऑप्शन क्या होगा? नो एंटीबॉडीज होगा। देखिए ए बी अगर हम देखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप को, तो ए और बी एंटीजन पाया जाता है, और जबकि इसमें एंटीबॉडीज नन होती हैं। ये किससे क्वेश्चन और पूछ सकता है? ए तो ए में ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी बी होती है, और बी में ब्लड ग्रुप एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। ए बी में ए और बी एंटीजन होता है मगर एंटीबॉडीज नहीं होती है, और ओ में एंटीजन अब्सेंट होता है इसीलिए सर्वदाता होता है, और एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होती है। ये चार्ट अगर आप एक बार देख लेंगे तो इससे बने हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का जमना रुका होता है, द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इन द वेसल इज प्रिवेंटेड बाय, तो किसके द्वारा रुका होता है? आप बताएंगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन या हिपेरिन, किसके कारण रुका होता है? तो 9 में जो ऑप्शन आप बताएंगे वो होगा बी, हिपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के वृक्क में निस्पंदन दाब होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमें लगता है ज्यादा थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन कट भी रहा है, ज्यादा छोटा हो गया। ठीक, मनुष्य के वृक्क में निस्पंदन दाब होता है लगभग, द फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इज अबाउट, कितना प्रेशर होता है ह्यूमन किडनी में? तो आप बताएंगे, तो वो होता है 15 mmHg। कितना होता है फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी? तो वो कितना दिया हुआ है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय द, तो वो होती है ऑर्निथिन साइकिल द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा। वयस्क शशक के वृक्क होते हैं, वयस्क शशक द किडनी ऑफ एडल्ट रेविटार, तो इसकी कैसी होती है बताएंगे? तो इनकी किडनी जो होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है मेटानेफ्रोस। क्या होती है? मेटानेफ्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्फोजिनेसिस प्रारंभ होता है, तो मार्फोजिनेसिस कहाँ प्रारंभ होता है? तो आप बताएंगे मार्फोजिनेसिस जो प्रारंभ होता है वो मोरुलेशन में, ब्लास्टुलेशन में, गैस्ट्रुलेशन में, नोरुलेशन में, तो ये गैस्ट्रुलेशन में प्रारंभ होता है, ऑप्शन 3 सही होगा। मार्फोजिनेसिस बता दें, ब्लास्टोसिस्ट के भीतर कोशिकाएं संहित या एम्ब्रियोनल गुंडी की कोशिकाओं से 3 जननी स्तर वाले भ्रूण के बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, इससे बने 3 जननी स्तर वाले भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सुनने का नियंत्रण होता है, द हियरिंग कंट्रोल बाय द किससे होता है, ये ब्रेन का क्वेश्चन है, हमारे प्रामस्तिष्क गोलार्ध द्वारा, टेम्पोरल लोब्स के द्वारा और सेरेबेलम के द्वारा, तो बताएगा 14 पे, तो वो है इसका सही ऑप्शन जो दिया गया है वो भी टेम्पोरल लोब्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा सुनने का नियंत्रण टेम्पोरल लोब्स द्वारा होता है, और इसमें जो सेरिबेलम है इसका मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाए रखना है, जो सेरिबेलम है ये वाला, इसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर के संतुलन को बनाए रखना, शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है और आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। हाइपोथैलेमस का काम ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये हार्मोन स्रावित करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि केंद्र होते हैं तथा वसा व कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर भी नियंत्रण करता है, कौन, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम का नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, तो बताएगा, तो वो नॉन प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम कहलाता है या होलो एंजाइम या प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है, तो 15 में आप आंसर करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए होलो एंजाइम क्या होता है, जब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ जाता है और इसके साथ प्रोटीनियस भाग एंजाइम का होता है तो इसे होलो एंजाइम बोलते हैं, और एंजाइम का जो मुख्य भाग होता है वो एपो एंजाइम होता है, ये एपो एंजाइम और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये दोनों मिलकर होलो एंजाइम का निर्माण करते हैं। केवल एक ही अंडा से उपस्थित होता है, ओनली वन ओवरी प्रेजेंट इन, तो आप सब जानते हैं ये वर्ड्स में ही होती है एक ओवरी। बायोल्यूमिनिसेंस प्रदर्शित होता है, बायोल्यूमिनिसेंस जो रात में चमकते हैं जैसे जुगनू देखा है उसमें, तो ये किस में देखने को मिलता है, बायोल्यूमिनिसेंस पैरामीशियम द्वारा नहीं है, प्लाज्मोडियम द्वारा नहीं है, सिरेटियम या टैक्सोप्लाज्मा, इन दोनों में से एक होगा, तो अब बताएगा, तो इसका सही आंसर ए है, सिरेटियम द्वारा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन इसका ए सही है, सिरेटियम द्वारा। मकड़ियों तथा बिच्छू सम्मिलित किए गए हैं वर्ग, तो मकड़ियां और बिच्छू जो सम्मिलित किए गए हैं वो किसमें सम्मिलित किए गए हैं, बताएं आप, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस आर इंक्लूडिंग द क्लास 18 नंबर पे, आप बताएंगे तो किसमें सम्मिलित किए गए हैं, आर्किनिडा में सम्मिलित किए गए हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही है, आर्किनिडा। समुद्री घोड़ा एक होता है, तो समुद्री घोड़ा क्या है, मछली है, पक्षी है, स्तनी है या कार्निवोरस है, तो आप बताएंगे सी हॉर्स क्या है, तो सी हॉर्स एक क्या है, ये फिश है, क्या है, सी हॉर्स एक मछली है, क्या है, सी हॉर्स एक फिश है, समुद्री मछली होती है समंता, इसका नाम हिप्पोकैम्पस है, इसका सिर घोड़े के मुख के समान होता है, यह मछली जल में सीधे तैरती है, इसका शरीर छोटी दो छोटी छोटी हड्डियों और प्लेटों से ढका रहता है जिन्हें अस्थि प्लेट कहते हैं। समुद्री घोड़े की विशेषता यह है कि इसमें बच्चे नर पैदा कर बच्चे जो होते हैं बच्चे नर पैदा करते हैं ना कि मादा। नर मछली में एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसमें मादा मछली निषेचन के पश्चात अंडों को नर मछली के थैली में डाल देती है, तो ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा पाद रहित उभयचर होता है, पाद रहित उभयचर होता है, तो बताइएगा एलाइटिस है, नहीं फिल्लोसोमा, इक्थियोफिस, ये तो हमें लगता है हाइला, तो ये ऑप्शन इसका जो होगा वो कौन सा होगा, आप हमें जरा कमेंट्स करके बताइएगा, तो होगा उभयचर दिया हुआ है, ठीक है, उभयचर में ये आएगा इक्थियोफिस, सही है ये इक्थियोफिस आएगा नंबर एक, उभयचर दिया हुआ है। समुदाय परिस्थिति अध्ययन है, द सिनिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कम्युनिटी, द रिलेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल, एनवायरनमेंटल एंड वाटर, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए ही सही होगा, कम्युनिटी इन द रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल रिलेशन टू एनवायरनमेंट इज नोन एज द जंतुओं के संबंध को, वातावरण जंतुओं के संबंध को कहते हैं, तो आप बताएंगे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑटोकोलॉजी, क्या बोलते हैं, श्वा पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, तो संख्या का पिरामिड जो उल्टा होगा वो किसका होगा,
तो आपको हमने बताए थे कि संख्या का पिरामिड उल्टा कब होगा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, तो ये कब होगा, तो होगा संख्या का जो पिरामिड होगा ऑप्शन जो सही होगा, चूंकि जो वृक्ष का पिरामिड होता है वो नंबर का पिरामिड उल्टा होता है, तो यहाँ गन्ना दिया हुआ है तो हम इसी को वृक्ष मान के बोलते हैं। ये यूट्रिफिकेशन संदर्भित है, एक स्थली परतंत्र में स्थायी उत्पादन से, एक स्थली परतंत्र निम्न उत्पादन से, एक जलीय परतंत्र में उच्च उत्पादन से, तो ऑप्शन इसका एक सही होगा। कौन सा सही होगा, एक नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, तो हमने आपको ये पढ़ाया है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नोट्स देखेगा, तो भौगोलिक पृथक्करण एवं जननिक पृथक्करण की अंतर क्रिया दर, भौगोलिक पृथक्करण पृथक्करण, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, भौगोलिक पृथक्करण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होता है, द लेंस ऑफ द रेटिना द वर्टिब्रेट आई आर डेवलप्ड फ्रॉम, तो किससे डेवलप्ड होता है बताएंगे। 26 नंबर पे आप क्या बता रहे हैं, तो इसका ऑप्शन एक है सही है, एक्टोडर्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित, तो मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, तो वो किसकी किससे होती हैं, इसमें से सेबेसियस है या स्वीट ग्लैंड है बताइएगा, तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है आप बताएंगे, तो वो है स्वीट ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो स्वीट ग्लैंड की रूपांतरित होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होगा। तो ये 2005 का पीजी टीजीटी का पेपर है, और इसके क्वेश्चन पीजीटी में भी आए हैं, और इसके क्वेश्चन पीसीएस में भी आए, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और इसके क्वेश्चन ईएलटी में भी आए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पेपर है, देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।